शाम होने के बाद इस गांव में ना तो बाहर से कोई आता है और ना ही गांव से कोई बाहर जाता है। गांव में लोग तमाम हैं, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि कोई रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। खौफ का ये आलम गांव में कुछ ही महीनों से शुरू हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में शाम होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे ना तो बदमाशों का खौफ है और ना ही किसी खूंखार जानवर की दहशत, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक अनजाना और अनदेखा साया। जी हाँ, एक ऐसा साया जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके होने का एहसास सबको है। लगता काय को बाहर निकलेंगे? किसका डर लगता आपको? डर किसका नहीं, तो भूत प्रेत का डर लगता है। वो अनजाना साया गांव में आए दिन सबको परेशान करता है। दिन के वक्त तो लोग घर के बाहर रहकर अपना काम करते हैं, लेकिन शाम होते ही वो इस अनजाने साये से बचने के लिए घरों में कैद हो जाते हैं। और अगर कोई शख्स किसी कारण से घर के बाहर रह गया तो समझिए कि वो हो गया उस साये का शिकार। और ऐसे इस गाँव में कई लोग हैं। 7 बजे बंद कर दे दरवाजा। अच्छा। डर के मारे से किसी को डराता है तो किसी को मारता है, और इसके इस कारण से कोई जाते नहीं खेत। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो अनजाना साया किसका है, वो क्या चाहता है, वो लोगों को क्यों परेशान करता है? तो इसके पीछे छिपी है एक रहस्यमय कहानी। असल में गांव के लोगों के मुताबिक कुछ महीने पहले एक नौजवान की मौत हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि उस नौजवान की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, जिसके कारण वो भटक रही है और गांव के लोगों को परेशान कर रही है। इस रूहानी साए से छुटकारा पाने के लिए गांव के लोगों ने तांत्रिकों का सहारा भी लिया है। दहशत इस वजह फैली है कि कुछ प्रेत आत्माएं घूम रही है, इस वजह दहशत में पब्लिक पड़ी हुई है। कोई नाचता है, कूदता है, कोई गाली गलौज करता है, ऐसी आत्माएं भटकती हुई बोलती है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। 21वीं सदी में ऐसी घटना पर लोगों को भले ही विश्वास ना हो, लेकिन निर्गुण गांव के लोगों की मान तो उस रूहानी साए ने उनका जीना हराम कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि इस खौफ के बारे में प्रशासन वाकिफ नहीं, लेकिन प्रशासन ने लोगों की मदद करने की अब तक कोई पहल नहीं की। ऐसे में लोगों के जहन में पैदा इस खौफ से उन्हें कब तक निजात मिलेगी कोई नहीं जानता। लोग आए दिन इसी उम्मीद में सो जाते हैं कि शायद एक दिन आएगा जब वो रात के अंधेरे में भी उतने ही आजाद होंगे जितने कि दिन के उजाले में। बैतूल से मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज। एक हॉस्टल में डरावनी आवाज जिसके सदमे से कई छात्राएं पहुंच चुकी हैं अस्पताल। आखिर क्या है हॉस्टल में हॉरर का राज? उठाएंगे इस रहस्य से पर्दा बस एक ब्रेक के बाद।